हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर वीडियो। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग मेरे चैनल के बहुत ही स्पेशल सीरीज का एक हिस्सा हो, दैट इज 10 डेज एंड 10 वीडियोस। तो आज की वीडियो इज अबाउट ग्रोसरी प्राइसेस इन कनाडा, कि एक महीने की ग्रोसरी कितने की आती है। ऑल्दो मैं एक महीने की नहीं करूंगा, मैं आपके साथ ही ग्रोसरी करूंगा, बट मैं दो हफ्ते ही करता हूँ। तो मैं दो हफ्ते के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक महीने का खर्चा कितना पड़ेगा। तो आज इन्फ्लेशन, महंगाई, सबकी बातें होंगी, मेरा बाल ठीक नहीं हो रहा। तो लेट्स गो इनसाइड एंड करते हैं शॉपिंग शुरू। ऑनेस्टली बोलूँ तो ये वीडियो मैं बहुत दिन से प्लान कर रहा था। एक्चुअली मैंने सच बताऊँ, मैं आपको एक सच बात बता रहा हूँ, मैं अभी बताने नहीं वाला था, बट मैंने ये वीडियो पहले शूट कर ली थी, बट वो इतनी बेकार बनी थी, इतना ज्यादा मेरी आंखें यहाँ भाग रही थी ना, आई वाज लाइक दोबारा शूट करता हूँ, अच्छे से शूट करते हैं। इस बार इसलिए मैं सिर्फ फोन लेके आया हूँ, बट फोन से बहुत अच्छी ब्लॉगिंग हो जाती है, वीडियो भी अच्छी बन जाती है। तो लेट्स गो, हम आए वैसे पहले वॉलमार्ट, ठीक है, वॉलमार्ट में करेंगे ग्रॉसरी, देखते हैं कितने की पड़ती है, क्या पड़ता है। यार देखो, हमारे मम्मी पापा ने बचपन से बोला सब्जियां खाना बहुत जरूरी है, इसलिए हम आए हैं सब्जियों के आइल में। तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है कि मैं हर सब्जी जाके आपको प्राइस बताऊं कि आलू टिंडे गोभी इतने की है, तो यार सब्जी वाला बन जाऊंगा। उससे बेटर ये कि जो डे टू डे में हमें पक्का पक्का चाहिए चाहिए, आलू प्याज टमाटर धनिया वगैरह, मैं सबके प्राइस बताऊंगा, मैं कितना यूजेज करता हूँ, मुझे कितना पड़ता है वो बताऊंगा। और उसके बाद बाकी जो थोड़े बहुत सब्जियाँ होंगी मैं स्क्रीन में कहीं डाल दूंगा, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपका मंथली वेजिटेबल्स का खर्चा कितना आएगा। तो देखो यार, मैं आप लोगों को प्राइसेस बता के बोर नहीं करूँगा, सारे लोग करते हैं, तो बेटर मैंने क्या सोचा, मैं बताऊँ, मैं रहता हूँ दो लोग के साथ, तो मेरा टोटल तीन लोग का हमारा खाना आता है, और मैं दो हफ्ते की शॉपिंग कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कितना मेरा लग रहा है, क्या प्राइस है जिसकी, ताकि अपने लिए कैलकुलेट कर सकूँ। ओके, सबसे पहले आता है मशरूम। हम लोग खा लेते हैं, मतलब ये एक पैकेट से पकड़ लो, हम लोग दो या तीन बार खा लेते हैं, तीन लोग एक ही सब्जी बना के तीन बार खा सकते हैं, दिस इज ओके क्वांटिटी, और ये टिक भी जाता है दो हफ्ते तक, दिस इज वेरी गुड फॉर अस। ये है टमाटर छः, और मैंने सिर्फ छः टमाटर क्यों लिए, बिकॉज मैं इसके साथ एक टोमेटो प्यूरी का कैन लेता हूँ, तो दैट इज चीपर। ये एक्चुअली अपने को पड़ता है $3 समथिंग का, $2.97 का, और जो हमारा टमेटो का प्यूरी का कैन है, दैट इज ऑल्सो सेम, बट उस पर बहुत ज़्यादा चलता है, ऑब्वियसली है ना, कैन है तो ज़्यादा चलेगा वो। फिर आता है थाई चिली, मतलब जैसे हमारे नॉर्मल जो है ना हरी मिर्च टाइप, दूसरे लोग कुछ चीज़ें ले रहे हैं ना, थोड़ा संभाल के रहना पड़ता है, बट एनीवेज ये नॉर्मल अपनी हरी मिर्च है। ये हरी मिर्च पे अराउंड $3-4 की आती है, बट काफ़ी तीखी होती है, और इसकी एक्सपायरी भी हो जाती है 10-11 दिन, क्योंकि मैं बहुत हेल्दी बच्चा हूँ, अच्छा बच्चा हूँ, उसके मैं खाता हूँ स्पिनच, पापा से सीखा है। ये स्पिनच जो है ये भी दिखने में बहुत कम लग रहा है, बट जब बनाओ ना पालक पनीर बनाओ या पालक की सब्जी बनाओ, ये भी चल जाती है दो टाइम, और इसकी एक्सपायरी भी अच्छी है। उसके अलावा तो ये दो हरी मिर्च लिए नॉर्मल, ठीक है, अलग अलग कलर की लिए, स्वाद अच्छा आता है। धनिया तो बहुत ज़रूरी है, हर इंडियन को पता ही है, और सस्ता भी होता है, एक ही बंच लाते हैं हम लोग, हमारा चल जाता है 9-10 दिन चल जाता है। क्यूकम्बर काफ़ी बड़ा, बट हाँ ये दो हफ्ते का नहीं है, तो हम कभी सैंडविच खाते हैं उसमें आ जाता है, तो ये नॉर्मल है। तो अब चलते हैं अगला फ्रूट्स का डिपार्टमेंट। सब्जियाँ तो हो गई, अब आती बारी फ्रूट्स की। फ्रूट्स में हाँ थोड़ी वैरायटी लेता हूँ, और थोड़ी कम क्वांटिटी लेता हूँ, कि ज़्यादा फ्रूट्स होते तो खाने में अलग अलग मज़ा आता है। तो ये है प्लम्स, ये हम नहीं लेते जनरली, बट इस बार मैं इसके ले रहा हूँ कि मम्मी को बहुत पसंद है, मम्मी को चिढ़ाऊंगा मैं देख के, तो यस प्लम्स फॉर दैट। उसके अलावा बनाना बेसिकली मेरे लिए होता है, बिकॉज मैं थोड़ा सा कभी जिंदगी में एक आध वर्कआउट कर लिया तो ये खा लेता हूँ, और वैसे ही होता है। और ये जो है सुबह टिफिन में खाने के लिए या ब्रेकफास्ट में खाने के लिए ऑरेंजेस, प्रीटी गुड। तो अपन ने अभी वेजिटेबल और फ्रूट्स तो कर लिया, अगला स्टॉप आता है बेकरी। बेकरी की बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, टॉर्टियाज, ब्रेड्स वगैरह, तो मुझे डे टू डे लाइफ है हमारी यहाँ पे, तो ब्रेड्स खरीदते हैं। चल लेते टाइम हमेशा इस पे ना एक्सपायरी चेक करो, मेरी एक्सपायरी ये चेक करना हमेशा ज़रूरी है। तो May 26 है और आज 14 है, तो 12 दिन की एक्सपायरी इज अ प्रिटी गुड वन। तो अब जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं एक वाइट ब्रेड लेता हूँ और एक लेता हूँ मैं एग्जैक्टली ये तो नहीं लेता हूँ, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट बता देता हूँ। ये देखो, ये May 29 तक का है, तो ये और ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी और ज़्यादा अच्छी है। मैं ज़्यादातर हनी ओट मील लेता हूँ, बट वो मेरे को दिख नहीं रहा है, तो अभी के लिए नहीं लूँगा, अभी आई एम हैप्पी विद माई वाइट ब्रेड।
और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे बेगल्स, डोनट्स, सबका मतलब अलग अलग ऑप्शन है, तो जो भी आप डे टू डे लाइफ में खाना पसंद करते हो आप खा सकते हो। और इसके प्राइस रेंज जो है ना सबकी बहुत सिमिलर होती है, $3.97 से लेके $5 तक, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड द आइटम यू बाय। तो अब चलते हैं देसी सामान खरीद। अब आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ऑफ द लिस्ट में, दैट इज राइस। तो मैं ज़्यादातर राइस कोई भी ले लेता हूँ, बट फिर मैंने कुछ ट्राई करे, सब मुझे अच्छे नहीं लगे। मेरे को ज़्यादातर वो बासमती जो अच्छे इंडिया वाले होते हैं ना वैसे पसंद है, तो अभी वो जो मेरे को चाहिए वो तो है नहीं, तो इसलिए भी कोहिनूर से काम चलाएंगे। दिस वन इज़ अराउंड $16-17। बाकी यहाँ पे और भी ऑप्शन आप देख सकते हो जो आपको पसंद है, बट मैं बोलूँगा थोड़ा अच्छे वाले लो, है ना। राइस खाना खाने बैठे हो तो क्वालिटी होनी चाहिए। नहीं के अलावा यहाँ पे इंडियन स्नैक्स सब कुछ मिलता है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ इंडिया से कुछ लाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप देखो जैसे जो लोग नए हैं जिनको खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, वो लोग ये सब खा सकते हैं। ये सारे मिक्सेस होते हैं, प्री मिक्स होते हैं, तो एक से पकड़ लो दो बंदे खा सकते हैं आराम से। अगर थोड़ा सा अच्छे से ना मसाला मसाला डाल के बना लो, अगर नॉर्मल टेस्ट अच्छा लगता तो फिर तो और अच्छा। ये जूसेस बहुत अच्छे हैं, मेरा फेवरेट मैंगो है जो कि है नहीं, बाय द वे फ्रूटी भी मिलती है यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे थोड़े जो नॉर्थ साइड से, जैसे मैं भी था, मेरे को पता रस्क मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था। रस्क है यहाँ पे, ये गोलगप्पे के पैकेट हैं, और अपने नमकीन जो होते नहीं ये लोग स्नैक्स टाइप, वो सब भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट जितना ना मेरे को इंडिया में लिटिल हार्ट्स ने देखे उससे ज़्यादा मेरे को यहाँ देखते हैं, बट ये सब है। सबसे एक्सपेंसिव चीज़ पूरे जगह की, इंडिया जगह की, दैट इज घी। इतना सा पैकेट इज $26। तो भैया घी थोड़ा सोच समझ के खाना है यहाँ पे। ये पैकेट अगर हम भी लाए ना एक से दो महीना चलता है, राम राम, बहुत महंगा है। ओ हमारे इंडियन चिप्स भी है, कुरकुरे, लेस वे सब कुछ है यहाँ पे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया, दैट इज आलू एंड प्याज। आलू और प्याज जो बेसिकली आते हैं 7 पाउंड से 5 पाउंड के पैकेट्स में आते हैं, जो कि मैं बोलूंगा 3 लोगों के हिसाब से एक प्याज का पैकेट लास्ट फॉर अराउंड 20 डेज, एंड दैट इज $7। और आलू का भी सेम है, आलू भी 5-6 पाउंड जो होता है वो हमारा चल जाता है 20 से 21 दिन तक, थोड़ा ज़्यादा चलता है एक्चुअली। आलू प्याज बहुत यूज़ होता है हमारा, और वो भी आता है कुछ सेम $6-$8 के प्राइस में। तो मैं बोलूँगा अगर आप 3 से 4 लोगों की फैमिली हो, आप लोगों के लिए 2 पैकेट 1 महीना एंड अ फ्यू डेज बहुत आराम से चल जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाते। हम बहुत लाइट खाते हैं सारे, सो मेक दैट, कीप दैट इन माइंड। इसकी बोलता मेरे को दालों के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता, बट यहाँ पे काफ़ी वेराइटीज़ हैं, छोटे पैकेट भी हैं और नीचे बड़े पैकेट भी हैं, और सबका प्राइस ओके है। मतलब $8 का ये पैकेट है, और बड़ा पैकेट लेना सस्ता पड़ेगा, $10-$12 का बड़ा पैकेट है। अपार्ट फ्रॉम दैट जिसको चाय वगैरह पसंद है, मतलब बहुत चाय है, अगेन मैं चाय नहीं पीता तो मेरे को पता नहीं कुछ भी चाय के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर थोड़े से क्रिएटिव हो, थोड़े कुकरी वुकरी का शौक है, तो यहाँ पे ना ये देखो जलेबी, कुल्फी, गुलाब जामुन सब के ना वो प्री मेड मिक्स आते हैं, तो आप खुद भी बना सकते हो। मैं कभी पंगे नहीं लेता, मुझे खाना बनाना नहीं आता। अपार्ट फ्रॉम दैट ये रहे हमारे आटे का पैकेट से सारे, ऑलवेज प्रेफर दिस वन, दूसरा पिल्सबरी तो है ही नहीं, बट आशीर्वाद इज द बेस्ट। और प्लीज़ भैया फ्रेस्को वेस्को से या वॉलमार्ट से लो, इंडियन ग्रोसरी स्टोर से मत लो, बहुत महंगा होता है, $20-22 का होता है, यहाँ इट्स लाइक $15, मच चीपर। ओके भाई बहनों, देखो सबसे जरूरी पार्ट ऑफ द डे होता है ब्रेकफास्ट मेरे हिसाब से, और ब्रेकफास्ट में अच्छा खाना और ज़्यादा खाना बहुत ज़रूरी है टू मेंटेन अ गुड बॉडी। तो मैं अपने लिए लाता हूँ ये हेल्दी स्पेशल के का वनीला वाला, बिल्कुल शुगर फ्री होता है, बिल्कुल मीठा नहीं होता, तो इट इज़ अमेजिंग टेस्टिंग। बट सिर्फ मुझे हेल्दी होना बोल के मतलब नहीं, सबको हेल्दी होना, इसीलिए जो अनहेल्दी लोग हैं हमारे घर में उनके लिए है ये। बहुत ही मीठा होता है और बहुत ही चॉकलेटी फ्लेवर आता है, तो इसके हमने लिए 3 पैकेट। क्यों, मैं आपको सिंपल मैथ समझाता हूँ। जैसे मेरा ये वाला इज 570 ग्राम, बट इट इज $9.47, तो भैया $10 का मेरे को सिर्फ 500 ग्राम मिल रहा है, यहाँ $10 में मेरे को 3 बक्से मिल रहे हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ बेटर डील। और क्योंकि सबको हेल्दी नहीं पसंद, और सारे हेल्दी ना खाए तो बेटर, पैसे बचते हैं, तो इसलिए हमने 3 डब्बे ले लिए। तो अब हमने कर लिया सीरियल सॉर्टेड, अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ डेयरी। डेयरी में दही, दूध, चीज़, पनीर सब कुछ आता है, एंड आइसक्रीम एज़ वेल। मैं नहीं खाता बट आता है, लेट्स गो टू डेयरी। तो भाई और बहनों मेरे पीछे है खतरनाक चिप्स का कलेक्शन, वो एंड तक चलता है, और मेरे को जो फ्लेवर पसंद है एक भी नहीं है इसमें। मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि कोई फ्लेवर ख़राब है या कुछ है, बट
मेरे को पसंद नहीं है। जस्ट एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, वैसे जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, यहाँ पे जो चिप्स होते हैं वो स्टार्ट्स फ्रॉम 99 सेंट्स, जो ग्रेट वैल्यू के पैकेज होते हैं वो 99 सेंट्स के मिल जाते हैं, पर जो एक्सपेंसिव होते हैं रफल्स गो टिल 447, तो मतलब $5 तक तो पकड़ के रखो, आपको 99 सेंट्स से $5 तक के चिप्स मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर टेस्ट, आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। चलो आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादा तो भैया यहाँ पे सब ऑरेंज जूस की वैरायटीज मिलती है, बट है ना यहाँ पे आपको अलग अलग स्मूदीज ब्लेंड्स भी मिल जाएंगे, तो मैं ज़्यादातर जो है फ्रूट मिक्स ब्लेंड्स लेता हूँ, अच्छे होते हैं स्वाद होते हैं, बट जो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं लाइक दीज आर लाइक 497 597, और जो मैच जूस मैंने आपको पहले दिखाया था इंडियन आयल में जस्ट लाइक 199 से 299, तो थोड़ा चीपर होता है, प्रेफर दैट वन, ये भी ले सकते हो, काफ़ी हेल्दी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है, जो आपको फ्लेवर सूट करता है उसके हिसाब से। अब सीरियसली अब डेयरी जाएंगे, अब कोई डिपार्टमेंट चेंज नहीं करूँगा, अब आते हैं डेयरी पर। जिसको भी इंडिया में थोड़ा दूध पी मतलब जिसको दूध पीना पसंद है जो भी है ना, तो उनको एक बात होगा कि थोड़ा थिक दूध क्या आता है, तो यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल दूध नहीं होता, बहुत वैरायटी है, जैसे 3.25% 2% फिर आई थिंक 1% तक है यहाँ पे, है ना, यहाँ आपको बेटर दिखेगा जैसे कि देखो 1% 0% 3.25%। तो देखो भैया जितना आप गाढ़ा दूध लोगे मतलब जितनी परसेंटेज बढ़ेगा उतना उतना प्राइस बढ़ेगा, जैसे हम जो लेते हैं दैट इज 3.25, उसमें 4 लीटर आता है, 3 पैकेट्स आते हैं 1.2 लीटर के आसपास, और वो हमारा चल जाता है वेल ओवर 14 to 15 days, क्योंकि हमने से एक लैक्टोज इंटॉलरेंट है, मैं ज़्यादा दूध नहीं पीता तो इसलिए हम दो लोग ज़्यादा पीते हैं, तो वो एक चीज़ है। मेरे हिसाब से मतलब द मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ जो डेयरी में आती है दैट इज़ बटर, बटर इज़ लाइक 728, इतने से छोटी सी लादी के लिए दैट मतलब अगर हम बहुत कंजर्वेटिव होकर चले तो हमारी 20-25 दिन तक चलती है एंड सॉल्टेड एंड ऑल दैट है, बट स्टिल 728 इज़ वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जब मैं आया था 18 में इट वॉज लाइक $5 $4.5 था, तो देयर इज इन्फ्लेशन पीपल दैट इज। देखो अब आते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, मैंने इसको लास्ट में जानबूझ के रखा क्योंकि सबकी प्रेफरेंसेस अलग होती है, चॉइस अलग होती है, तो इसीलिए यहाँ पे मीट फिश सब कुछ ही मिलता है, मैं इसके अलावा और कुछ बोलना भी नहीं चाहता एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। देखो भैया फिश इज़ वेरी एक्सपेंसिव, एक किलो इज़ अराउंड $35 to $40, ऑन द अदर हैंड चिकन डिपेंड करता है कि थाई लेते हो ब्रेस्ट लेते हो, सबको पता जितने चिकन के टाइप्स होते हैं वो आपको कॉस्ट करेगा समवेयर बिटवीन $7 to $20 डिपेंडिंग ऑन कितना वेट है क्या है ना वो सब के ऊपर। अगेन मैं वो नहीं दिखाना चाहता कुछ भी, बिकॉज अगेन सबकी प्रेफरेंसेस होती है, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, बट आप 2 पैकेट चिकन ले आओ तो 3 लोगों का आराम से हो जाता है, ठीक है, और 1 पैकेट आपको 3 से 4 5 दिन की मैक्सिमम वैलिडिटी देखता हूँ मैं, मतलब उसके बाद एक्सपायरी बहुत तेज़ होती है इनकी, तो हाँ लाओ 3-4 बार खाओ 2 महीने के लिए बहुत है। अब हो गई हमारी शॉपिंग ख़त्म, जल्दी से बिलिंग कराते हैं, बिलिंग करा के मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कितना एक्चुअल में पड़ा मेरे को खर्चा और यहाँ पे आपका कैसे डिफरेंट होगा मेरे से। लेट्स गो, दिलाया भाइयों $135, बट इसके अलावा मैंने $75 की अलग से शॉपिंग करी थी, उसके अलावा स्नैक्स भी $20 के ऊपर नीचे आ जाते हैं, तो अपना पकड़ लो कि 200 to 220 का हमारा बाई वीकली बिल आता है। बट अगर ये तो क्योंकि सामान हमारे पास घर में और पड़ा हुआ इसीलिए, अगर ये ना पड़ा होता तो आप पकड़ लो बिल अप्रॉक्सीमेटली $300 आता बाई वीकली फॉर 3 पीपल, तो उसी का आता मतलब पर पर्सन 200, और वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारा बिल कम इसलिए आ रहा है कि हम लोग जॉइंट में बना लेते हैं तो सब कुछ डिवाइड हो जाता है, अगर आप अकेले आ रहे हो तो आपका पकड़ लो कम से कम $300 पर पर्सन जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट दैट इज द वीडियो का जवाब, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, थोड़ी हवा आ रही होगी बस थोड़ा सा एंगल है ना, और आपको ये 10 दिन 10 वीडियो चीज अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, अगर अभी तक मेरी कम्युनिटी वाली चीज शुरू हो गई होगी मेंबरशिप तो प्लीज मेंबरशिप लो, है ना, एक हम टाइट कम्युनिटी बनाएंगे, सबकी हेल्प करेंगे, हम सबके लिए हेल्प के लिए रेडी रहेंगे, राइट, तो या सी यू द नेक्स्ट वन।